ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मचारी आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल पर हैं, जिसका असर राजधानी रायपुर में भी देखा जा रहा है, जिसमें आज राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थान बंद रहे। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक समेत निजी बैंक खुले हैं और यहां दिन भर लेन देन हो रहा है। बता दें कि हड़ताल निजीकरण के विरोध के साथ ही सावधि जमा ब्याज दरों में वृद्धि, 5 दिवसीय बैंकिंग मुद्दे जैसे कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया है और बैंक के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में आज बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिसका अच्छा खासा असर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित बैंक में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैंक के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि बैंक जो है खुले हुए हैं और ऑनलाइन सुविधा जो ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी चालू है, उसके बाद जो है सुविधा चालू है, लेकिन बैंक कर्मी जो है हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ बैंक कर्मी यहाँ बने हुए हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, आज बैंक कर्मियों की आज हड़ताल है, तो क्या किस प्रकार का असर देखा जा रहा है राजधानी रायपुर में? देखिए, ये हड़ताल केवल बैंक कर्मियों की नहीं है। बैंक कर्मी, बीमा कर्मी, राज्य सरकार कर्मचारी, केंद्रीय सरकार कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, हिंदुस्तान के 20 से 25 करोड़ मजदूर आज सड़कों पर हैं और उनकी मांगें 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल है। पहली मांग है श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी संशोधन किए गए हैं वो वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी मांग है नेशनल मोनिटाइजेशन पॉलिसी के जरिए बैंक, LIC सहित सारे सार्वजनिक संस्थाओं को अदानी अंबानी के हवाले करने के लिए जो निजीकरण की मुहिम चलाई जा रही है वो बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग है देश का 94% जो मजदूर है वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। जिस मजदूर को ना कोई जीने लायक वेतन उपलब्ध है, ना ही कोई सामाजिक सुविधा का अधिकार, इसीलिए इस हड़ताल की ये मांग है कि मजदूरों को न्यूनतम 26,000 वेतन मिलना चाहिए। उनके लिए इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसा और सिफारिशों के अनुरूप उन्हें भी मजदूर और कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए भी सामाजिक हित लाभों का कानून बनाया जाना चाहिए। बैंक तो बंद है, पर ग्राहक आ रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ बैंक के द्वारा की गई? ये तो बैंक, ये बचाने की लड़ाई है। जो ग्राहक है वो भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, LIC के ग्राहक हों या बैंक के ग्राहक, क्योंकि सरकार बैंक और LIC के जो ग्राहक है उन्हीं का पैसा जो बैंकों में और LIC में है उसे जो है अपने कॉरपोरेट मित्रों जिनके भरोसे वो चुनाव लड़ते हैं उनके हाथों से लुटवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए इसमें ग्राहक भी इस लड़ाई का शामिल हैं। आगे आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो आगे क्या करेंगे आगे आप? आगे करेंगे, मोदी जी को बोलेंगे यही बात। एक बात ध्यान रखिए, अगर सत्ता में बरकरार रहना है तो अदानी अंबानी से सत्ता नहीं चल सकती। सारा शासन तंत्र आप खरीद सकते हो लेकिन भारत की जनता बिकने वाली नहीं है। अगर देश बेचने की कोशिश करोगे तो वही जनता तुम्हें सड़कों पर उतारने की तैयारी करेगी। तो कुल मिलाकर इनकी मांगे जो हैं आज 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, 28 और 29 मार्च तक, और जब तक इनकी मांगे जो हैं पूरी नहीं होगी तब तक इनका हड़ताल और आगे उग्र होने की जो है बात है बैंक कर्मचारी कह रहे हैं। फिलहाल इसका अच्छा खासा असर राजधानी रायपुर में भी देखा जा रहा है। CP24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।